Hello everyone, a very good morning to all of you and very warm welcome to the very first class of comprehension special batch number 5. So aap sabhi ka swagat hai, welcome hai, khair magdam hai, pehli class mein. Aur comprehension special live batch kafi samay ke baad aa raha hai, aapki demand thi. Ye panchwa comprehension special batch hai career will ke platform pe. Good morning everyone, main abhi is samay YouTube pe bhi live hu aur career will app ke upar bhi live hu. So आइए शुरू करते हैं चर्चा विदाउट फर्दर अडू. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिटेल्स ऑफ द बैच. थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा और उसके बाद क्या क्या इसमें कंटेंट होने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं. बहुत सारे लोग शायद फर्स्ट टाइम इस बैच के बारे में जान रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो आप सभी को उसके बारे में ब्रीफ करूंगा. और फिर एक जो बहुत बड़ी समस्या है खासतौर से वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस करने की, यानी वोकैबुलरी बेस्ड जो फिलर्स होते हैं हमारे, या क्लोज टेस्ट की आप बात करें, हर जगह वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन दोनों का इस्तेमाल होता है. और फिलर्स और क्लोज टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये दोनों टॉपिक देश में होने वाले हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. फर्क सिर्फ आता है इनकी डिफिकल्टी का. सो इनको किस तरीके से टैकल करना है वो आज की क्लास में हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ इंट्रो क्लास है और बैच के बारे में बताया जाएगा. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करोगे और वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स को करने के क्या क्या अप्रोचेज हैं, क्या तरीके हैं जहां पे आप बिल्कुल एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं, तुक्का नहीं मारना पड़ेगा, वो भी वो आज आपकी क्लास आज की क्लास में आप सीखेंगे. क्योंकि ग्रामर बेस्ड तो हम कर लेते हैं बट वोकैब में दिक्कत आती है, और यही है कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच का पर्पस कि आपकी अंग्रेजी की कॉम्प्रिहेंशन बेहतर हो. और ये जो सेक्शन है ये करीब 50% पेपर का हिस्सा कवर करता है. तो आइए चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा बैच की डिटेल को लेकर के. तो यहां पर आप टाइमिंग देख पा रहे हैं, आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, 9:30 से 10:45 इसका टाइम होगा. कोर्स कैपेबिलिटी आपकी 6 मंथ्स की है, और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन कुछ आपका 45+ आवर्स का होगा. ये यहां पे आप एक 4 टॉपिक्स जो है बिल्कुल मास्टर करने वाले हैं, बेसिक से पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड फिलर्स. और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो हम करीब 800+ क्वेश्चन इसमें लाइव इस बैच में सॉल्व करने वाले हैं इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर. हो सकता है वो 1000 भी पहुंच जाए, क्योंकि हम जितना आपसे वादा करते हैं उससे ज्यादा ही करियर विल पे डिलीवर करते हैं. सो 800+ क्वेश्चन आप करेंगे. मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको पेपर का एक अंदाजा लग सके. अब आपका अगला सवाल होगा, सर एग्जाम्स कौन कौन से कवर होंगे? तो देखो आप, अच्छा हाँ, ये बिल्कुल क्लैरिटी रखना, पीडीएफ आपको मिलेगी हर एक टॉपिक की जो क्वेश्चन हम यहां पे करते हैं. कंटेंट पूरी तरह से अपडेटेड होगा जैसे कि हर बैच में अपडेट होता है. तो यहां पे भी आपको इन 4 टॉपिक से बिल्कुल नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे. अब बात कर लेते हैं एग्जाम्स की. एसएससी एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो अगेन इसका भी विंडो काफी ब्रॉड है. आप एमटीएस से शुरू करते हैं, एमटीएस है, फिर सीएचएसएल है, सीजीएल है, सीपीओ है, स्टेनोग्राफर है, फिर हमारे टेक्निकल एग्जाम्स हैं. हर जगह पे ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, राइट? तो आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम क्लास में करने वाले हैं वो इन सभी एग्जाम से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? बैंकिंग एग्जाम से भी जो इन तरह के टॉपिक्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेकिन ये अपर साइड होगा, क्योंकि बैंकिंग स्पेशल बैचेस आते हैं तो हम ज्यादा चर्चा जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं हमारे, और जब यूपीएससी की मैं बात करता हूं तो यहां हमारे एनडीए और सीडीएस वाले जो भाई लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी भी सारी जरूरतें पूरी होंगी. यानी एनडीए सीडीएस लेवल के भी इन 4 टॉपिक से जुड़े हुए जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल्ड यहां पे प्रैक्टिस सेशन होगा प्रीवियस ईयर, प्लस मेरे क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा आपको अपग्रेड करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग में, राइट? और स्टेट एग्जाम्स यहां पर बात हो गई. तो ये पूरा का पूरा इस बैच का स्ट्रक्चर है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे लोग एनरोल कर लिए हैं, जो नहीं किए हैं वो आज कर लेंगे एनरोलमेंट, राइट? अगर आपको इन टॉपिक्स पे मास्टर करना है, क्योंकि एक तरह से ये निग्लेक्टेड सेक्शन होता है. कई बार बच्चे को लगता है कि इंग्लिश का मतलब सिर्फ ग्रामर पे मास्टरी, ग्रामर इज प्रीटी मैथमेटिकल, उस पर आप आसानी से मास्टरी कर सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ते हैं. बट ये जो एरियाज हैं कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि रीडिंग का हमारा एक्सपोजर रहा नहीं इन जनरल, इंडिया में उतना ज्यादा रीडिंग करने का, इंग्लिश का क्रेज है नहीं बच्चों को, तो रीडिंग और उसके बाद आती है बारी कॉम्प्रिहेंशन की, यानी अंडरस्टैंडिंग की. तो जहां पे भी आपकी रीडिंग प्रोग्रेस और इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टेस्ट की जाती हैं, वहां पे थोड़ी दिक्कत हमें शुरू हो जाती है एक्चुअली. तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए कि रीडिंग को कैसे बेहतर करें, अब जैसे इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात है,
तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम काफी डिटेलिंग में जाते हैं, जैसे टोन्स कितने टाइप के हैं, राइटिंग स्टाइल क्या है, क्वेश्चन टाइप्स कितने तरह के आते हैं, इम्प्लिसिट क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, एक्सप्लिसिट कैसे पूछे जाते हैं, अपनी WPM जो वर्ड पर मिनट है आपकी, वो आप किस तरीके से इंप्रूव करें। तो रीडिंग में, न्यूज़पेपर्स में क्या हमारा लैडर होना चाहिए, कैसे पढ़े उन्हें, मैगजीन्स को किस तरीके से पढ़ें, किस मैगजीन से शुरुआत होनी चाहिए, फिर न्यूज़पेपर में कौन से वो सेक्शंस हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, वो डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक पूरी तरीके से कस्टमाइज सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूं इस बैच के अंदर। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बैच पर्टिकुलरली फॉर द SSC इंडस्ट्री, और बहुत प्यार मिला आपका तभी ये बैच चल रहे हैं। वोकैबुलरी स्पेशल, कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल, आपकी तैयारी में वैल्यू एड करने की कोशिश होती है। सो आइए अब शुरुआत करते हैं, सीधे अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक जो है वो है हमारा फिलर्स आज का, और फिलर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये किस तरह का फिलर्स है, वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स है। पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कितने लोगों को वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स में दिक्कत होती है, कॉमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू फील प्रॉब्लम इन वोकैब, पर्टिकुलरली वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स? हाँ जी, YouTube पे भी। हाँ जी नितेंद्र, बहुत जल्दी कैट का भी बैच आपको मिलेगा करियरबिल प्लेटफॉर्म के ऊपर, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। क्योंकि देखो अगर भूख लगी हो तभी खाने की जरूरत महसूस होती है, तो इफ यू फील प्रॉब्लम इन वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स तब हम यहां पे बात करेंगे। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, काफी लोगों को दिक्कत है। तो देखो जीरो नंबर आता है, चलो आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे अगर आप साथ आपका बना हुआ है तो आपको जीरो नंबर ना आए, वोकैबुलरी बेस्ड भी आप कर लें। कई बच्चे शुरू से भी नमस्ते कर लेते हैं, अगर प्रेपोजिशन बेस्ड है या फ्रेजल वर्ब बेस्ड है, प्रेपोजिशनल कॉलोकेशन बेस्ड है, तो उसमें तो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होती है उन्हें। तो देखो यहां पे कई सारे अप्रोचेस हैं। आज की क्लास में मैं सिर्फ 8 क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, देयर आर 8 क्वेश्चंस ओनली ऑफ फिलर्स, और इन 8 क्वेश्चंस के जरिए मैं 8 अप्रोचेस सिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स को। और जब मैं फिलर्स की बात करता हूं तो क्लोज टेस्ट भी इसमें इंक्लूड होता है, बिकॉज आप जानते हैं क्लोज टेस्ट में बस पैराग्राफ की लेंथ बढ़ जाती है, मोर ओवर साइंस जो है वो सिमिलर ही रहता है काफी हद तक। और जो आज क्वेश्चंस दिए वो सिर्फ 1 ब्लैंक प्लेस का दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये 8 के 8 क्वेश्चन काफी लोग सही करके जाएंगे यहां से। अगर 8 के 8 नहीं कर पाए तो 6 तो सभी सही करके जाओगे, तो अपनी इस क्लास की स्टार्टिंग में ही अपने आप से वादा करो कि हाँ सर बिल्कुल हम सही करके जाएंगे। तो हम आज थोड़ा सा डिडक्टिव अप्रोच लेंगे, मैं क्वेश्चंस के जरिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई यहां पे कौन सा ऐसा शब्द था या किस मेथड से, किस कीवर्ड से आपको कैसे मदद मिली इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अब इसमें वोकैबुलरी की बहुत सारी टेक्निकलिटीज आती हैं, मैं उन टेक्निकलिटीज में भी नहीं जाना चाहता, मैं सीधा क्वेश्चन पे आना चाहता हूं और फिर क्वेश्चन के जरिए हम कॉन्सेप्ट को सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ चुका है, पहला अच्छा इधर रह गया। हाँ जी, दिस इज द फर्स्ट वन। बिकॉज ऑफ हिज, रोहन्स गेस्ट फेल्ट वेरी कंफर्टेबल स्टेइंग एट हिज हाउस फॉर द वीकेंड। किस ऑप्शन के साथ जाओगे? और आई थिंक सभी बिल्कुल सही जाएंगे। थर्टी सेकेंड का टाइम है आपके पास। A C C C A A T, ओके जी चलिए, आपको आपका टाइम मिल गया। और मैंने कहा था बहुत सारे लोग सही होंगे, और बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरी बात की इज्जत रखी है, YouTube पे भी मैं देख पा रहा हूं काफी लोग बिल्कुल सही हैं। देखो अब यहां पे मैं अगर आपसे पूछूं कि कैसे आपको पता लगा कि कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा, तो आप कहां से बताओगे कि किस चीज ने आपको यहां पे मदद की? इस क्वेश्चन में जिसने आपको मदद की है वो है कॉनोटेशन, कॉनोटेशन। अब आइए टेक्निकल चीजों की थोड़ी सी समझ बढ़ाते हैं। कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड ऑफ वर्ड, कि किसी भी शब्द का एटीट्यूड किस तरीके का है। और अगर हम नेमली बात करें तो हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, 1 इज पॉजिटिव कॉनोटेशन, 1 इज न्यूट्रल, एंड द 3rd 1 इज व्हाट, दैट इज नेगेटिव। अभी सेंटेंस पढ़ करके आपको क्या लग रहा है? बिकॉज ऑफ हिज,
अब हिज के बाद यहां पे ब्लैंक प्लेस है, यानी यहां पे आपको कोई शब्द फिल करना है। अब वो शब्द पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये सेंटेंस खुद बता रहा है कि रोहन के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे थे स्टेइंग एट हिज हाउस फॉर द वीकेंड। तो अगर सामने वाला किसी के घर में कंफर्टेबल फील कर रहा है तो उस घर का या उस इंसान का जो एटीट्यूड होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। ये बात हम समझ चुके हैं। अब यहां पे बात आ रही है विजडम की, एनिमोसिटी की, हॉस्पिटैलिटी की और डिटर्मिनेशन की। अब सिर्फ कॉनोटेशन के आधार पर आप कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी क्या होती है? जहां दुश्मनी का भाव हो, जहां हॉस्टिलिटी हो, जहां आप सामने वाले को लेकर के अनवेलकमिंग अप्रोच रखते हो। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव कॉनोटेशन, जैसे कुछ हमारे सज्जन यहां पर विजडम के साथ भी गए हैं, विजडम के साथ गए हैं, विजडम पॉजिटिव क्वालिटी है बिल्कुल, लेकिन क्या विजडम का ये इफेक्ट पड़ेगा क्या कि उनके घर में रहने में उन्हें बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ जो उन रोहन के गेस्ट थे, उसमें विजडम का क्या लेना देना है? सामने वाला गेस्ट है वो कंफर्टेबल तब फील करेगा जब आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होगी, राइट? तो यहां पे हॉस्पिटैलिटी के अलावा हम किसी और ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। एनिमोसिटी को हमने एलिमिनेट कर लिया कॉनोटेशन के आधार पे, विजडम भी पॉजिटिव था और डिटर्मिनेशन भी पॉजिटिव है, राइट? डिटर्मिनेशन भी दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है, लेकिन ये दोनों जो वर्ड हैं ये कैसे बाहर कर रहे हैं हम? यहां पे कौन सा एक और एस्पेक्ट आपको नजर आ रहा है वोकैबुलरी का? वो है कॉन्टेक्स्ट। तो हमने दो एस्पेक्ट की चर्चा इसी एक क्वेश्चन में की। एक तो आपको कॉनोटेशन मदद करता है कि यानी आपको वर्ड पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, और दूसरा क्या है? कॉन्टेक्स्ट। अब पता तो लग गया कि विजडम जो है वो भी पॉजिटिव वर्ड है, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन पता लगा कि ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में सूटेबल नहीं है। तो तुक्का हमें नहीं मारना, हमारे पास इसके लिए भी यार्डस्टिक है जो भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एंड ऑन दोज यार्डस्टिक यू नीड टू जज कि आप किस पर्टिकुलर वर्ड के साथ जाएंगे। अब देखो यहां डिटर्मिनेशन दिया है, मैं यहीं से एक और बात समझाने की कोशिश करता हूं आपको। नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, अब अगर यहां पर डिटर्मिनेशन और मैं दूसरा शब्द यहां पर लिखता हूं, लेट मी राइट द वर्ड इज ऑब्स्टिनेशी, ऑब्स्टिनेशी। अब ये वर्ड कैसा हो गया? जब आप दृढ़ निश्चय रखते हैं तो भी आपके अंदर जिद होती है, और अगर आप ऑब्स्टिनेशी है आपके अंदर या ऑब्स्टिनेट हैं, ऑब्स्टिनेशी हो गया नाउन, ऑब्स्टिनेट हो गया एडजेक्टिव, यानी डिटरमिंड। अगर अब मैं लिखूं वहां पे शब्द डिटरमिंड, डिटरमिंड वर्सेस ऑब्स्टिनेट, दोनों में जिद होती है, लेकिन आपको समझ आ गया कि यहां पे ऑब्स्टिनेट शब्द का कॉनोटेशन नेगेटिव है एंड दिस इज व्हाट पॉजिटिव, एंड दैट इज व्हाई आई कीप ऑन अर्जिंग यू पीपल प्लीज डू नॉट मग अप द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। शब्दों के मीनिंग को रटो मत बस, और खासतौर से जब आप हिंदी में रटते हैं तो फिर आप ज्यादा हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, राइट? वहां पर दिक्कत क्या आ जाती है, वहां पे दिक्कत ये आ जाती है कि फिर आप इन तरह की चीजों को नहीं समझ पाते। जिद दोनों में है, लेकिन डिटरमिंड आदमी की जिद पॉजिटिव है, जबकि अगर आप ऑब्स्टिनेट हैं यानी आप लॉजिक नहीं देखना चाहते, रीजनिंग पे नहीं जाना चाहते, जैसे बच्चा जिद्दी हो जाता है कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उस समय वो चीज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी बच्चे का कंसर्न ये नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन, दो नए टर्म्स आपने सीखे और इस टर्म्स पे लगातार चर्चा होती रहेगी। करेक्ट ऑप्शन था यहां पे सी, हॉस्पिटैलिटी। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्कोर कार्ड में आपका बाद में पूछूंगा। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइक और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंच जाए क्लास। लाइव क्लास में एक अलग इंटरेक्शन होता है, तो उसमें बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। हाँ जी, अब यहां पे मैं देख पा रहा हूं यूट्यूब पे भी अभिनंदन, योगेश, खुशी, सुमित, बी सी ए, राधा, इरशाद, इधर भी प्रद्युम्न, सन्नी, विकास। नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल है, जानते हैं आप, मैं बस आपकी बी सी डी देखता हूं कि भाई किस तरफ बैच जा रहा, किधर आप आंसर कर रहे हैं। लिखा है ऑल्दो द फॉसिल्स वर वेल प्रिजर्व्ड, पैलियोंटोलॉजिस्ट वर अनेबल टू द आइडेंटिटी ऑफ द मैमल स्पीसीज वायलेट अ सर्टेन डिस्प्ले एक्सप्लॉइट। शब्द बहुत आसान रखे हैं मैंने आपको पहले ही कहा कि सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान आपने देना है। थोड़ा सा ध्यान दे दिया आपने तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं।
हाँ हिंदी मीनिंग भी आपको बता दूंगा बिल्कुल। देखिए यहां पे कौन सी चीजें आपको मदद कर रही हैं। पहला शब्द यहां पे एक ऑल्दो आया हुआ है, आया ना ऑल्दो, यानी इसको हम कहते हैं ग्रामेटिकल इंडिकेटर्स। फिलर्स में या क्लोज टेस्ट में ग्रामर भी आपको बहुत मदद करता है, प्रोवाइडेड दैट ग्रामर को आपने रटा नहीं है, उसकी समझ पैदा की है कि क्या एडवर्ब है, क्या कंजंक्शन है, वो किस तरह का रोल निभा रहा है, राइट। सो ऑल्दो जो है इसको हम कहते हैं क्या, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और इसका काम होता है कॉन्ट्रास्ट बताना। यानी अगर सेंटेंस की शुरुआत ऑल्दो से हो रही है, और कई बारी अब ऑल्दो वाले क्लॉज में जो बात होगी जाहिर तौर पर उसकी ऑपोजिट बात दूसरे क्लॉज में होगी। डबल फिलर्स के क्वेश्चन में भी यहां से बहुत मदद मिलती है। मान लो दो क्लॉज है, एक सेंटेंस है, दो क्लॉज है, एक क्लॉज आपका ऑल्दो वाला है और दूसरा क्लॉज आपका दूसरा क्लॉज है, मेन क्लॉज है, ये कंजंक्शन वाला क्लॉज हो गया। तो अगर ऑल्दो वाले क्लॉज में जो वर्ड आपने फिल किया है उसका ऑपोजिट वर्ड दूसरे में होगा, यानी अगर दो दो वर्ड के क्वेश्चन है तो आपको देखना है वो ऑप्शन सही होगा जिसमें दिए गए दोनों शब्द एक दूसरे के ऑपोजिट है। उन ऑप्शंस को आप तुरंत एलिमिनेट कर लोगे जो दोनों सिनोनिमस हैं। तो ग्रामेटिकल इंडिकेटर मिल गया, और क्या मिल रहा है, ये वर्ड आपको पता है। अब मैं पूछूं पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या होता है, तो वन वर्ड में आपने पढ़ा होगा। अब इधर आप प्रीफिक्स और सफिक्स से भी मदद ले सकते हैं। लॉजिस्ट्स कहीं पे भी है तो आपको पता है कि भाई वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, वो विशेषज्ञ लोग होते हैं, और कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ गया। फॉसिल्स की बात हो रही है तो इसका मतलब जो फॉसिल्स के विशेषज्ञ लोग होते हैं, जीवाश्म के बारे में जिन्हें बेहतर समझ होती है, जिनकी एक्सपर्टीज होती है उस फील्ड में, उन्हें हम पैलियोंटोलॉजिस्ट कहेंगे। तो ग्रामेटिकल इंडिकेटर्स प्लस हमारे जो कीवर्ड्स हैं, राइट, सफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस हैं, इनसे भी हम मदद ले पाते हैं। अब जैसे मान लो ये लॉजिस्ट जहां पे भी लगा होगा ये सफिक्स है, आपको पता है कि ये किसी ना किसी तरह का एक्सपर्ट ही होगा, तो आपको बस कॉमन सेंस लगाना है कि अगर फॉसिल्स का इस्तेमाल हो रहा है और पैलियोंटोलॉजिस्ट लिखा हुआ है यहां पे, तो जाहिर तौर पे ये जीवाश्म के अध्ययन के विशेषज्ञ लोग होंगे। आपको हमेशा एग्जाम के अंदर अपने कॉमन सेंस का परिचय देना होता है, खासतौर से इन तरह के क्वेश्चन में। अब यहां पर लिख रहा है कि ऑल्दो द फॉसिल्स वर वेल प्रिजर्व्ड, यहां पर क्या बात आ गई, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट, पॉजिटिव हो गई कि यद्यपि जो हमारे फॉसिल्स थे वो अच्छे तरीके से प्रिजर्व किए गए थे, पैलियोंटोलॉजिस्ट वर अनेबल टू असर्टेन द आइडेंटिटी। अब देखो यहां पे एक टर्म और मैं लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड कॉलोकेशन। कॉलोकेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच बाय डिफॉल्ट कम टुगेदर, बाय डिफॉल्ट कम टुगेदर। सो इफ यू गो बाय द कॉलोकेशन, वहां पे भी ये असर्टेन शब्द बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि अनेबल टू असर्टेन द आइडेंटिटी ऑफ द मैमल स्पीसीज, यानी भले ही फॉसिल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया था तब, लेकिन फिर भी जो पैलियोंटोलॉजिस्ट थे वो अनेबल थे आइडेंटिटी को असर्टेन करने में मैमल स्पीसीज के, राइट। तो यहां पर अब आपको कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है कि अगर वेल प्रिजर्व था, अच्छे तरीके से जीवाश्म रखा गया था, तो जाहिर तौर पे जो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं अब उनको आइडेंटिटी असर्टेन कर लेनी चाहिए थी, लॉजिकली तो यही हुआ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, वो असर्टेन करने में अनेबल हैं, और इसका मतलब ये कॉन्ट्रास्टिंग बात है, यहां पे विरोधाभास है, और ऑल्दो वही विरोधाभास आपको यहां पे शो कर रहा था। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी किसी के साथ आप जाएंगे नहीं, वायलेट करने का कोई मतलब नहीं है, अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, डिस्प्ले द आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं है, एक्सप्लॉइट का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, असर्टेन यहां पे सही है। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग दीज क्वेश्चंस करेक्ट और इनकरेक्ट, माय हम्बल सबमिशन इज व्हाट, कि इन क्वेश्चंस के साथ जो हम सीख रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, ये जो टर्मिनोलॉजीज आप देख रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। अब हमारी जैसे पहला टॉपिक हमारा इस बार के बैच में होगा फिलर्स ही, फिलर्स होंगे फिर क्लोज टेस्ट आएंगे, फिलर छोटा भाई है, क्लोज टेस्ट बड़ा भाई है। कल से धीरे धीरे लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा, आज पहली क्लास है, बहुत सारे मॉडरेट बच्चे भी होंगे जिनका स्टैंड जो अंग्रेजी का स्टैंडर्ड है उनका उतना बेहतर नहीं है, वो अपने आप को कमतर आंकते हैं, लेकिन मैं आज उनको भी बूस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने आप को कमतर ना आंकें। आप में से 90% लोग आज के सारे क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, आपने जवाब दिया यहां पर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ग्रामर बेस्ड फिलर्स, वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स, वन ब्लैंक प्लेस, टू ब्लैंक प्लेस, थ्री ब्लैंक प्लेस, सब कराऊंगा इस बैच में। किसी भी तरह के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए बिल्कुल सटीक तौर पे ये आपको मदद करेगा।
चलिए मैं चुप रहता हूं, अगले एक मिनट आप आंसर करिए। असर्टन करने का मतलब सुमित सुनिश्चित करना होता है, मतलब निकालने की जरूरत है हमें, सर्टन तो पता है ना, तो असर्टन क्या होगा, वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। सचिन जी डिफेंस के बैच की बात कर रहे हैं, सचिन डिफेंस में भी जो ये सेक्शंस आते हैं वो सारे कवर होंगे, मैंने ऑलरेडी कहा एनडीए सीरियस के आप एस्पिरेंट्स हैं, किसी भी एफ कैट कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक हर एग्जाम में आते हैं, तो ये कोई बैच स्पेसिफिक नहीं है, हर तरह का बैच मैंने बता दिया, नीचे लेवल से लेकर के ऊपर तक सारा कुछ कवर हो जाएगा, एक्सेप्ट हाई लेवल जो कैट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं इस बार नहीं कराऊंगा इस बैच के अंदर, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा ये इस बार का, मैं कई बार आपको बहुत हाई लेवल तक लेके जाता था बट उसकी जरूरत नहीं है आपको, तो मैं फिर क्यों ही लेके जाऊं, इसीलिए आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं एसएससी का कोई भी एनडीए सीरियस यूपीएससी का सीसैट उस लेवल पे आपकी तैयारी यहां पे हो जाएगी। चलिए जी मैं बात कर लेता हूं यहां पे, क्रेस्ट फॉलन बाय हैविंग डन पुअरली इन एसएससी एग्जाम एंड रादर बिगन टू क्वेश्चन हरसेल्फ, हरसेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज प्लैकेटेड सस्टेन्ड डिस्ट्रॉयड एंड अपीज्ड। आप में से ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से सही ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बी और सी में कुछ लोग कंफ्यूज हैं, मैं यू इस पे भी देख पा रहा हूं आपके YouTube पे भी बी और सी में कंफ्यूजन है, किसके साथ जाओगे आप, सी करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल, देखो क्रेस्ट फॉलन लिखा है, ट्रफ क्रेस्ट, क्रेस्ट क्या होता है, ऊंचाई से ही गिर रहे हो ना, क्रेस्ट फॉलन बाय हैविंग डन पुअरली इन एसएससी एग्जाम, यानी एसएससी एग्जाम में अपनी आशा के अनुरूप एग्जाम नहीं दे पाई अनुराधा, उसकी परफॉर्मेंस डाउन रही, और ऐसा करने के बाद बिगन टू क्वेश्चन हरसेल्फ, फिर इंसान अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो फिर अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है कि यार मेरी काबिलियत पे सवाल खड़े हो जाते हैं वहां पे, बिगन टू क्वेश्चन हरसेल्फ, हर सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज वॉट डिस्ट्रॉयड, और क्या हो सकता है वहां पे, कॉन्फिडेंस उसका डिस्ट्रॉयड ही होगा, प्लैकेटेड में रूट वर्ड क्या है, प्लैक, प्लैक कई बार चर्चा हो चुकी है, प्लैक का मतलब ही है आपके पास टू अपीज, किसी को खुश करना, अपीज करना या पैसिफाई करना, कोई बेचैन है परेशान है आप उसको शांत कर रहे हैं, और यहीं से हमारे पास ये शब्द आता है प्लैकेट, ये आपको अखबार में भी नजर आ सकता है, अभी जैसे किसान भाइयों का विरोध चल रहा है दिल्ली के आसपास, तो सरकार जो है वो प्लैकेटरी मूव ले सकती है, कुछ प्लैकेटरी मूव यानी उनको मनाने के लिए, उनको शांत करने के लिए, तो प्लैकेटरी शब्द आपका एडजेक्टिव होता है, प्लैकेट क्या होता है, प्लैकेट यहां पे वर्ब है यानी किसी को शांत करने की कोशिश करना, फिर यहीं से शब्द आ जाता है आपके पास प्लैकेबल, प्लैकेबल भी एडजेक्टिव है यानी जिसको शांत किया जा सकता है, और इम्प्लैकेबल इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया यानी जिसे शांत नहीं किया जा सकता, जिसको आप शांत नहीं कर पाएंगे वो क्या होगा, वो इम्प्लैकेबल होगा, यहीं से शब्द आता है आपके पास प्लसीबो इफेक्ट, ये आप मेडिकल फील्ड में और मैनेजमेंट में दोनों में ये शब्द आप देखते हैं प्लसीबो, और प्लसीबो का क्या मतलब होता है, प्लसीबो इज कि जैसे प्लसीबो मेडिसिन में जब यूज होती है तो उसका मतलब कि कोई ऐसी मेडिसिन जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो नहीं है, जस्ट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये दवा आपको मदद करेगी, ये आपको उसको इंसान को अपीज करने की कोशिश की जा रही है उसे प्लेसिबो कहते हैं, राइट, मोर देन साइकोलॉजिकल इफेक्ट वहां ज्यादा होता है मोर देन द मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और यहीं से आपके पास शब्द आ जाता है कॉम्प्लेसेंट, यानी जो इंसान सेल्फ अपीज्ड है जिसे हम आत्ममुग्ध कहते हैं, राइट, सेल्फ अपीज्ड नेगेटिव कॉनोटेशन है इस वर्ड का, ध्यान रखेंगे, कहा जाता है कॉम्प्लेसेंसी जीवन में नहीं आनी चाहिए, तो इस शब्द का कोई लेना देना नहीं है, सस्टेन कर जाना किसी चीज का पता है बहुत ही बेसिक शब्द है, हम लगातार सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं यानी ऐसा ग्रोथ जो सस्टेन कर सके लंबे समय तक चल सके, और अपीज करना आपको पता ही है किसी को खुश करना, ये वर्ड आप कहां सुनते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जिसको हम कहते हैं तुष्टिकरण की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति, राइट, अपीज करना। अब यहां पे कौन किसने आपको मदद की इस क्वेश्चन तक पहुंचने में, हां जी बताइए मुझे प्लीज, आपको किसने मदद की इस क्वेश्चन को पहुंचने में, कैसे आप इस क्वेश्चन तक के सही जवाब तक पहुंचे, कॉनोटेशन बहुत बढ़िया, क्रेस्ट फॉलन जब लिख रखा है, राइट, आदमी गिरा हुआ है, यहां पे पुअरली लिख रखा है, कॉनोटेशन ने सीधा सीधा हेल्प किया,
कि इंसान तो वहां पे अपीज तो ना वो होगा नहीं और ना तो प्लैकेट होगा, नेगेटिव सब चाहिए, सस्टेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। चलो बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनु इज आस्किंग अबाउट द टाइमिंग ऑफ दिस बैच। अनु ये पहली क्लास है जो आपको YouTube पे अभी मिल रही है, बाकी करियर विल ऐप पे मिलेगी ये क्लासेस आपको। करियर विल ऐप को डाउनलोड करिए, वहां कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच बाई सत्येंद्र सर में जाएंगे आप और वहां पे आपको ये क्लासेस मिलेंगी। आज जस्ट पहली क्लास है तो जस्ट आपको बताने के लिए कि बैच आया है इसलिए यहां पे क्लास हो रही है। ऑल्दो द वॉरिंग पार्टीज हैड सेटल्ड अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, पास्ट एक्सपीरियंस मेड देम टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म दैट द टॉक्स वुड बी अ सक्सेस। अब थोड़े से क्वेश्चन का मैंने गियर बढ़ाया है, चलो बताओ मुझे क्या होना चाहिए यहां पे। आपको हिंट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं यहां पे भी देखो ऑल्दो का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां पे भी ग्रामेटिकल इंडिकेटर्स हैं जहां कॉन्ट्रास्ट हमें मदद करेगा सही शब्द को पहुंचने में। बहुत अच्छे सन्नी, अन्नू, बाब, विवेक, योगेश, पूनम, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वॉरिंग पार्टीज का मतलब क्या है कि भाई दो पक्ष जिनमें लड़ाई झगड़ा है, हैड सेटल्ड नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, उन्होंने यद्यपि दो ऐसे पक्ष जिनमें लड़ाई झगड़े थे उन्होंने बहुत सारे डिस्प्यूट्स अपने सेटल कर दिए हैं, बट पास्ट एक्सपीरियंस मेड देम हैप्पी, डोलफुल, रिलक्टेंट और वॉल्यूबल। अब आइए जरा शब्दों की चर्चा कर ले, अगर आपको मुश्किल है, हैप्पी में कोई मुश्किल नहीं है सबको पता है, डोलफुल में देखो डोल अपने आप में रूट वर्ड होता है, डोल का मतलब ही सॉरो होता है, दुख होता है, ठीक है। और यहीं से आपके पास एक शब्द आता है माई सिंसियर कॉन्डोलेंसेज, जब मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो आप अपना शोक प्रकट करते हैं तो आप क्या मैसेज करते हैं, माई सिंसियर कॉन्डोलेंसेज। तो कॉन्डोलेंसेज में भी आप देखो DOL आता है और यहीं से आता है डोलफुल, तो डोलफुल का मतलब क्या हो गया, दुखी। तो एक तो हैप्पी था और दूसरा दुखी हो गया, खुश और दुखी। अब अगला शब्द हमारे पास रिलक्टेंट है, बहुत बेसिक शब्द है, साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है इसकी, दिस इज एडजेक्टिव, यहां से बनने वाला नाउन क्या होगा, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, दैट इज व्हाट, दैट इज नाउन। तो अगर आप किसी चीज के लिए भी रिलक्टेंट हैं इसका मतलब आप वो चीज नहीं चाहते हैं, आप उसको लेकर के अनविलिंग हो, अनविलिंग हो। तो यहां पे वही तो होगा कि पास्ट एक्सपीरियंस मेड देम रिलक्टेंट टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म दैट द टॉक्स वुड बी अ सक्सेस। अब जैसे मान लो दो पक्षों के बीच में 20 साल से लड़ाई झगड़े हैं, राइट, बहुत सारे मुद्दों पे उनके बीच में टसल थी, लड़ाई झगड़े थे, उनमें से काफी मुद्दे उन्होंने सुलझा लिए हैं, लेकिन उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई अगर टसल लड़ाई झगड़ा इतने लंबे समय तक चला हो तो जाहिर तौर पे आप चीजों को लेकर के थोड़े डाउटफुल हो जाते हैं, स्केप्टिकल हो जाते हैं कि चीज होने वाली या नहीं। तो वही लिख रखा है, पास्ट एक्सपीरियंस मेड देम रिलक्टेंट टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म। ये आपको कॉन्ट्रास्ट सीधा सीधा बता रहा है कि सेटल करने के बाद भी ऑप्टिमिज्म वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उतना आशावादी नहीं है वो, किन चीजों को लेकर के, कि टॉक्स वुड बी अ सक्सेस, कि दोनों पक्षों में जो बात हो रही है वो एक सफल नतीजे तक पहुंच पाएगी, बहुत सारे मुद्दों को सुलझाने के बाद भी, बहुत सारे मुद्दों को सुलझाने के बाद भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस उन्हें क्या बनाता है, अनविलिंग इस बात को मानने के लिए कि बचे हुए मुद्दों पे जो बातचीत अभी हो रही है वो सफल होगी। पास्ट एक्सपीरियंस पुराना, राइट। अब देखो मैं यहां पे अगर पूछूं ये पास्ट एक्सपीरियंस का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो ये है आपका नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए बहुत बेसिक लेवल पे ग्रामर की भी क्लैरिटी आपको चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, मेड यहां पे क्या है, वर्ब है, मेड देम रिलक्टेंट, राइट, उनको रिलक्टेंट, मेड जो है कॉजिटिव वर्ब के तौर पे यहां पे यूज हुआ है। चलिए जी, वॉल्यूबल शब्द का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉल्यूबल, बहुत बार चर्चा हुई है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी अच्छा क्वेश्चन है। वॉल्यूबल हम उसको बोलते हैं वन हु स्पीक्स फ्लुएंटली,
One who speaks fluently is called voluble. And what is the root word out here? क्या है root word आपके पास? VOL. और VOL root word का मतलब क्या होता है भाई? हाँ जी, VOL का rule का मतलब होता है यहां पे to roll, roll करना. वैसे VOL का मतलब wish भी होता है, इच्छा भी होती है आपकी. और यहां पे roll से ही मतलब है कि someone who is voluble, उस इंसान की जो टंग है वो एफर्टलेसली रोल करती है. राइट, समवन हु स्पीक्स फ्लुएंटली, उस इंसान की जो जीभ है, जो टंग है, वो एफर्टलेसली रोल करती है. तो वहीं से हमारे पास शब्द आ जाता है वॉल्यूबल स्पीकर. याद रखेंगे, यहीं से आपके पास शब्द आता है क्या? रिवॉल्वर. देखो, री का मतलब अगेन, जो बार बार घूमे, रिवॉल्वर. यहीं से आता है रेवोल्यूशन. जब रेवोल्यूशन होती है, क्रांति होती है, तो पूरा सिस्टम 360 डिग्री घूम जाता है. और यहीं से आपके पास शब्द आता है इन्वॉल्व. जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो रोल करते करते उसमें घुसते चले जाते हैं, और इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है आपके पास इवॉल्व. हम यहां सिर्फ क्वेश्चन नहीं करते, हर क्वेश्चन से बहुत सारा खजाना हमें मिलता है. ये खजाने की अगर अप्रोच आपको पड़ जाए और रटना छोड़ करके समझना शुरू कर दें, और एक क्वेश्चन जो भी कुछ सिखा रहा है वो भी सीखना शुरू कर दें, तो आपके लिए इन पेपर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना इंग्लिश सेक्शन में बहुत आसान काम बन जाएगा. आइए अब बढ़ते हैं आगे. बिकॉज द हाउस हैज द वोट्स टू ओवरराइड अ प्रेसिडेंशियल वीटो, द प्रेसिडेंट हैज नो च्वाइस बट टू कैपिचुलेट, एब्सटेन, कॉम्प्रोमाइज एंड ऑब्जेक्ट. थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अब बढ़ जाएगी क्वेश्चन की. बहुत अच्छे, वेरी गुड. YouTube वाले भाई बंधु, अपने भाइयों को जोड़ते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए. कमेंट तो आप कर ही रहे हैं यहां पे, वो भी थोड़ा सा काम कर दें कि वो भी कुछ सीख लें साथ ही साथ. मुझे पता है बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, इसलिए बीच बीच में मैं याद करा दे रहा हूं आपको थोड़ा. चलो जी, अब देखो यहां पे भी ग्रामर से मदद मिल रही है. ग्रामेटिकल इंडिकेटर आपको मिल रहे हैं हर जगह. बिकॉज लिख रखा है, तो यानी ये क्वेश्चन आपको एक तरीके से कॉज और इफेक्ट वाले पैमाने पे नजर आएगा. बिकॉज से शुरुआत हो रही है. बिकॉज द हाउस हैज द वोट्स टू ओवरराइड अ प्रेसिडेंशियल वीटो, द प्रेसिडेंट हैज नो च्वाइस बट टू कैपिचुलेट, abstain, compromise and object. Let me see how many of you got the answer correct. Khushi is correct. Danish, you are incorrect. I'm sorry. Prakash, you are incorrect. Hanji Vipin, naya batch aa raha hai. Yehi naya batch hai jiski aap class dekh rahe hain. Gopinath ji sahi hai. Vikas sahi hai. Bahut acche, bahut acche. Sonu sahi hai YouTube pe. Sunil sahi hai. Karli aadmi bilkul sahi hai. Bade khatarnak naam rakhte hain YouTube pe. चलिए जी, कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छे. कैलाश इज करेक्ट. ऐप पे अक्षय करेक्ट. कॉम्प्रोमाइज होगा. देखो सेंस साफ साफ निकल रहा है. द हाउस का मतलब जैसे हमारी संसद हो गई, या अमेरिका की बात करो तो सेनेट हो गई, उस तरफ इशारा किया जा रहा है कि बिकॉज द हाउस हैज द वोट्स टू ओवरराइड अ प्रेसिडेंशियल वीटो. वीटो का मतलब क्या होता है? जो विशेषाधिकार है. यानी अगर हाउस चाहे तो वो प्रेसिडेंट के खिलाफ जा सकता है, उनके वीटो पावर को ओवरराइड कर सकता है. राइट, जो भी उस सदन के मेंबर्स हैं अगर वो चाहें तो प्रेसिडेंशियल वीटो के खिलाफ जा सकते हैं. तो ऐसे हालात में प्रेसिडेंट के पास कोई और चॉइस नहीं होगी एक्सेप्ट व्हाट बट टू कॉम्प्रोमाइज. उनको समझौता करना ही पड़ेगा. सदन की जो मांग है उस मांग के साथ प्रेसिडेंट को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल है और वहां चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है. तो अगर वो किसी बात को ओवरराइड करते हैं तो जाहिर तौर पे उस बात को मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट को. उनके पास कोई और च्वाइस नहीं बचती. ये इस पूरी लाइन का हिंदी अर्थ हुआ. एक शब्द यहां पे आया हुआ है कैपिचुलेट. बड़ा अच्छा शब्द है. क्या मतलब होता है कैपिचुलेट का? ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है. इसका मतलब होता है मीकी सरेंडर. सरेंडर तो आप जानते हैं ना, किसी के सामने आपने सरेंडर कर दिया. और मीकी सरेंडर, बिल्कुल मीकली कर रहे हो आप. जिससे इसके लिए शुद्ध हिंदी क्या कह सकते हैं हम? किसी को ध्यान में आ रहा है? मीकी मैंने यूज किया, सिर्फ सरेंडर यूज नहीं किया. तो मतलब वही जो जी हजूरी करने वाले टाइप का जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल दीनहीन बन करके आपने सरेंडर कर दिया. तो दैट इज व्हाट, दैट इज कैपिचुलेट. और इसके साथ एक शब्द और आता है रिकैपिचुलेट. कई बार कंफ्यूज कराया जाता है. तो जैसे आप सीरियल्स में देखते हो ना कि पहले, अब जैसे आज मंडे है तो जो भी हमारे
सीरियल्स आते हैं अलग अलग चैनल्स पे, वहां पे वो क्या करेंगे, रीकैप करेंगे। फ्राइडे को बंद किया होगा, अभी रीकैप। तो रीकैप एक्चुअली रिकैपिचुलेट का ही शॉर्ट फॉर्म है कि फिर से उसको दोहराना। तो कैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट, एब्सटेन आपको पता है, एब्सटेन के साथ वैसे फ्रॉम की जोड़ी बनती है ना, यू एब्सटेन फ्रॉम समथिंग। तो परहेज करना, और ये एब्सटेन करना खास तौर से जब हम बात करते हैं कुछ रिलीजियस कारणों से, आप जब किसी किन्हीं चीजों से परहेज करते हैं तो उसे एब्सटेन कहा जाता है। क्योंकि परहेज करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, दैट इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर गोइंग टू यूज दैट वर्ड। तो यहां पे एब्सटेन तो बिल्कुल नहीं होगा, कैपिचुलेट बिल्कुल नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। यहां पर कॉम्प्रोमाइज ही बिल्कुल करेक्ट च्वाइस है, कॉज एंड इफेक्ट। तो जो हमारे की वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल इंडिकेटर्स हैं, उनसे भरपूर मदद मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बहुत अच्छे। मैन हैज नो च्वाइस बट टू सीक ट्रूथ, ही इज मेड कंफर्टेबल एंड फ्रस्ट्रेटेड विदाउट ट्रूथ, दस द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ इज पार्ट ऑफ वॉट मेक्स अस। और बिलीव मी, आपको सीएचएसएल के अंदर भी इवन प्री एग्जाम में इस तरह के सिंगल ब्लैंक प्लेस का क्वेश्चन एक दो मिल जाता है, ये ध्यान रखेंगे। सीपीओ में मिल जाता है प्री के अंदर, अगर पांच क्वेश्चन मान लो सीपीओ के अंदर हैं आपके फिलर्स के, तो तीन हो सकता है उसमें ग्रामर बेस्ड हो और एक थोड़ी सी आपकी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन एक हो सकता है, एक से दो। तो ये आपको हमेशा से मिलता है, तो हमें नंबर कहीं भी नहीं गंवाना। चलिए बताइए क्या लग रहा है। बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों ने आई थिंक दिल से सही जवाब दिया है। YouTube पे जवाब मुझे थोड़े गलत नजर आ रहे हैं, लेकिन करियर विल ऐप पे जो हमारे भाई बंधु हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं वो। दैट इज ह्यूमन। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे बड़े पॉजिटिव क्वालिटी की बात हो रही है, तो इसीलिए लोग ए के साथ भी जा रहे हैं और डी के साथ भी जा रहे हैं, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते, बस यही दिक्कत आ जाती है। तो यही समझने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। देखो, आपने एक टर्म पढ़ा होगा अपने नाउन में, वर्ड इन एपोजिशन, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, एपोजिशन। यहां पे इस एपोजिशन की मदद मिल रही है आपको, इसको अपोजिशन से कंफ्यूज मत कर लेना। एपोजिट का मतलब होता है जो चीज सूटेबल हो। तो नाउन में किस तरीके से पढ़ा है आपने, कई बार किसी किसी नाम का यहां पे जिक्र किया गया और फिर कॉमा लगा करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट, एपोजिशन जिसे हम कह रहे होते हैं। तो अब यहां पर देखो आप, आपको वहां से मदद मिल रही है, दस के बाद कॉमा लगा हुआ है और दस एक तरह से रिजल्ट की तरफ इशारा कर रहा है कि मैन हैज नो च्वाइस बट टू सीक ट्रूथ, यानी हमारे पास कोई च्वाइस नहीं है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ग्रामर का और अगेन इस्तेमाल, बट टू सीक ट्रूथ, ये किस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहां पे? हां जी, अगर मैं पूछूं बट शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो क्या बताओगे आप, वॉट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ बट एंड टू सीक, टेल मी। पीयूष कुमार पूछ रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड मीन्स, उस सवाल पे जो मुझे होना चाहिए वही है फ्रस्ट्रेटेड का मतलब। भाई फ्रस्ट्रेशन नहीं सुना है, हैं? फ्रस्ट्रेशन नहीं सुना है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूं। आदमी जब मतलब झल्लाहट होती है वही होती है फ्रस्ट्रेशन। देखिए एक सवाल है आपसे, बताइए अपने ग्रामर का ज्ञान यहां दिखाइए। खुशी बता रही है कंजंक्शन है, दीपक भी इधर बता रहे हैं कंजंक्शन है, भोलू भी बता रहे हैं कंजंक्शन है, आदित्य बता रहे हैं इन्फिनिटिव है। दोनों वैलिडिटी के बारे में जानकारी दे दी मैंने शुरू में, सिक्स मंथ्स की वैलिडिटी है, बहुत टाइम है। बैच आपका लगभग हद से हद डेढ़ से दो महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ये कॉम्प्रिहेंशन बैच है, चार टॉपिक पे पूरी मास्टरी, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, उतना टाइम बहुत है। 800 से 1000 के करीब क्वेश्चन करके जाओगे लाइव। चलिए जी, यहां पर ये जो बट है ये प्रेपोजिशन के तौर पर काम करता है, बट वैसे होता है कंजंक्शन। बात को समझो, इसीलिए मैं बार बार रटने की खिलाफत बात करता हूं। बट वैसे कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, सबको पता है कि बट के पहले पॉजिटिव बात है तो बट के बाद नेगेटिव लिखोगे। लेकिन यहां पे देखो
बट के बाद टू सीक लिखा हुआ, और ये सीक क्या है, दैट इज इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव को आप क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव के यूसेस बहुत तरह के हैं, बट एक तरह से नाउन का इक्विवेलेंट हो जाता है वो भी, आप उसको सब्जेक्ट भी बनाते हो, ऑब्जेक्ट भी बनाते हो इन्फिनिटिव को। तो जो नाउन या प्रोनाउन के पहले पोजिशन उसे क्या कहते हो, प्रेपोजिशन, ये वाला बट यहां पे प्रेपोजिशन है। और इसका सेंस क्या निकल के आता है, इसका सेंस निकल के आता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दैट। तो अब आगे से ध्यान रखेंगे, बट जब कंजंक्शन होता है सबको उसका मतलब पता है, बट के पहले जो बात कही गई है बट के बाद वाली बात से उनका विरोधाभास होगा, लेकिन बट जब प्रेपोजिशन के तौर पे यूज होता है तब इसका मतलब होता है इसको छोड़कर, एक्सेप्ट दैट, ध्यान रखिएगा आगे से। तो वही लिखा है कि इंसानों के पास कोई च्वाइस नहीं है एक्सेप्ट सीकिंग ट्रूथ, यानी ट्रूथ को सीक करने के अलावा हमारे पास कोई च्वाइस नहीं है, ये बट का मतलब है। He is made uncomfortable and frustrated without truth. यानी इंसान को ऐसा ही बनाया गया, He is made uncomfortable and frustrated without truth. अगर सत्य तक आप नहीं पहुंचते हैं, वैसे दुनिया में ज्यादातर लोगों को बेचैनी है, अनकंफर्टेबल हैं, जिंदगी से बड़े बेचैन परेशान हैं, वही है कि ट्रुथ तक पहुंचने की वो दौड़ चल रही है, अगर सत्य तक नहीं पहुंचेंगे तो वो शांति आपको प्राप्त नहीं होगी, वही इशारा कर रहा है ये लाइन। Thus, the quest for truth is part of what makes us human. लगातार उसी की बात तो कर रही है, ये सेंटेंस उसी की बात कर रहा है कि भाई मैन ह्यूमन उसी की बात हो रही है कि हमारे पास कोई और च्वाइस नहीं है ट्रुथ को सीख करने के बजाय, हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे विदाउट ट्रुथ, अनकंफर्टेबल रहेंगे, और इसीलिए ट्रुथ की सर्च में जाना, ट्रुथ के लिए जो क्वेस्ट है वो ही हमें ह्यूमन बनाती है, इसीलिए जिंदगी में ये जर्नी लगातार चलती रहती है। यहां पे हमें नोबल बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है, इसका कोई लेना देना नहीं है, न डिफरेंट का लेना देना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो गया ह्यूमन, सेंटेंस में ही एक तरीके से उसका जवाब छुपा हुआ था। जब सीधा सीधा कह दिया गया कि भाई ट्रुथ को सीख करने के अलावा हमारे पास कोई च्वाइस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रुथ जो है वो हमारे एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है और उसके बिना हम नहीं रह सकते, तो ये हमारे एग्जिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप ह्यूमन के साथ जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेस्ट का मतलब होता है सूरज, जब आप जैसे वहीं से क्वेश्चन भी निकला हुआ है, क्वेश्चन क्या है, सीकिंग है, सवाल पूछना है, जब किसी चीज को जानने की तरफ आपकी जर्नी बढ़ती है उसी को क्वेस्ट कहा जाता है, नो च्वाइस के कारण। बिल्कुल, वेरी गुड। रचित इज एन अप्रोब्रियस एंड स्पीकर इक्वली कॉस्टिक टूवर्ड फ्रेंड एंड फो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राजू का जवाब सबसे पहले आया है। जिन लोगों को ग्रामर पढ़नी है, लग रही हिली हुई, वो जाकर के करियर वे लैब पे ले सकते हैं, वीओडी बैच है आपके पास, पूरे पूरे रिकॉर्डेड क्लासेस एक साथ मिल जाएंगे, 130 प्लस आवर्स की क्लासेस, पूरा सिलेबस। चलिए यहां पे बताइए, शब्द थोड़ा सा बेहतर है आपके लिए यहां पे, बट आई होप आप सही कर पाएंगे। अब मान लो आपको अप्रोब्रियस का मतलब नहीं पता, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये वर्ड आपको पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, ये बताइए, विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड, व्हाट डू यू थिंक, ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बहुत अच्छे शिवम, आपका भी जवाब करेक्ट है, सवाल का जवाब दो, आपके पास आ जाएगा तुरंत अभी। सौरभ जी को पॉजिटिव लग रहा है, बाबा जब यहां लिख रखा है इक्वली कॉस्टिक, अगर कॉस्टिक है तो वो कैसा होगा, वो चुभने वाला होगा, वो चुभने वाला होगा, उस बात के अंदर जो है आपको चुभन मिलेगी। तो ऐसा जो स्पीकर है जो कि मतलब इक्वली कॉस्टिक है, चाहे उसके दोस्त हो या दुश्मन हो, तो इसका मतलब कि हमें यहां पर नेगेटिव वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वाले गलत है, नेगेटिव वाले सही है। अब आप देखो लॉडेटरी, लॉड का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, लॉडेबल परफॉर्मेंस, पॉजिटिव वर्ड है, कॉनोटेशन के आधार पे आपने बाहर कर दिया, व्हाट अ लॉफ्टी शॉट ही प्लेड, लॉफ्टी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी बाहर हो गया, और
अब देखो यहां स्पीकर के लिए आपको परेशान करने के लिए आर्टिकुलेट दे दिया गया। आर्टिकुलेट स्पीकर हम किसे कहते हैं, कौन आर्टिकुलेट स्पीकर होता है? हां जी, आर्टिकुलेट हम उसे कहते हैं जो कि अपनी बात को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बहुत ही कोहेरेंट मैनर में, एक लॉजिकल तरीके से सामने वाले तक पहुंचाए। तो क्या उसका कोई लेना देना है क्या यहां पे? अब इधर आपको कीवर्ड कैसे मदद कर रहा है, देखो एंड यहां पे लगा हुआ है। अगर एंड के पहले का वर्ड नेगेटिव है तो जाहिर तौर पे एंड के बाद का भी वर्ड पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो हम यहां आर्टिकुलेट के साथ भी नहीं जा सकते क्योंकि आर्टिकुलेट जो है बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। आर्टिकुलेट स्पीकर हम उसे कहते हैं जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक लॉजिकली बात करता है, उसे आर्टिकुलेट स्पीकर कहा जाता है। तो आपने इसको भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब आप बचे ही सिर्फ एक शब्द विचुपरेटिव के साथ, और यही यहां पे करेक्ट ऑप्शन है, राइट। विचुपरेटिव का मतलब क्या होता है, जो आदमी बहुत ही अब्यूजिव हो, तो जो आदमी ना दोस्त देखता है ना दुश्मन देखता है, सबकी ऐसी तैसी कर दे, तो वो कैसा होगा, अब्यूजिव ही तो होगा। रचित इज एन अप्रोप्रियस एंड अब्यूजिव स्पीकर, इक्वली कॉस्टिक टूवर्ड फ्रेंड एंड फो। तो यहां पे आपको एक तो एंड से मदद मिली है कि भाई एंड के पहले आपके पास नेगेटिव वर्ड है तो एंड के बाद भी नेगेटिव वर्ड जाएगा, और उस नेगेटिव के लिए पक्की मोहर कौन लगा रहा था, ये कॉस्टिक वर्ड जो अपने आप में नेगेटिव है। स्पीकिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, ध्यान रखेंगे आप, स्पीकिंग के लिए बहुत सारे शब्द हैं। और हम इन तीन शब्दों में क्या फर्क है, कौन से तीन शब्द बहुत देखने को मिलते हैं, रेटिसेंट, लकोनिक एंड टैसिटर्न। कई बार YouTube पे भी चर्चा की है, अपने बैचेस में तो चर्चा करते ही हैं, कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस। ये तीनों स्पीकिंग के लिए हैं। ये तीनों का मतलब होता है लेस स्पीकिंग, कम बोलना, क्योंकि अभी यहां पे आर्टिकुलेट आपने देखा, हमने वॉल्यूबल शब्द देखा, ये जो बोलने से ही जुड़े हुए थे। बोलने के लिए 20 से 25 से ऊपर वर्ड है हमारे पास जो अलग अलग बोलने के ट्रेट्स दिखाते हैं। रेटिसेंट हम किसे कहते हैं, हु इज अ रेटिसेंट स्पीकर। रेटिसेंट वो है जो आपसे जनरली तो बातचीत अच्छा करेगा बट अपने जो पर्सनल चीजें हैं, राइट, डजंट शेयर पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स इजिली। जो आदमी, अब मान लो आप एक रेटिसेंट इंसान के साथ अगर ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस वाले कम्युनिकेशन के लिए तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, लेकिन वो अपनी पर्सनल चीजों को लेकर के बहुत आसानी से आपके साथ ओपन अप नहीं होगा, उसे रेटिसेंट कहते हैं। लैकोनिक किसे कहा जाता है, लेस स्पीकिंग मोर सेंस, जो कम शब्दों में बड़ी बातें कह जाए, कम बोलना ज्यादा समझना, मोर सेंस, उसे हम लैकोनिक कहते हैं। और जबकि टैसिटर्न किसे कहा जाता है, वन हु इज अनइंटरेस्टेड इन कॉन्वर्सेशन, यानी जो बातचीत में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो बात क्या करना वो सुनता भी नहीं है ढंग से, उसे क्या कहोगे, टैसिटर्न स्पीकर कहा जाता है। तीनों शब्दों को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे क्लोज टेस्ट हो या फिलर्स हो, वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको वहां पे होनी चाहिए। और यहीं से हमारे पास एक शब्द ये भी आता है, टैसिट, और टैसिट की जोड़ी बहुत सारे शब्दों के साथ बन जाती है। जैसे टैसिट के साथ आप देखोगे टैसिट अग्रीमेंट, ये शब्द जुड़ जाता है। टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या मतलब होता है इसका, यानी बिना बोले ही एक अंडरस्टैंडिंग। जैसे बचपन के दिनों में जब माँ आंख दिखाती है तो बच्चे को पता लग जाता है कि मेरी माँ इस समय क्या चाहती है, वो मुझे पे गुस्सा कर रही है क्या, राइट, या मुझे शाबाशी दे रही है, ये सारी बातें बच्चे को समझ आ जाती हैं। कैसे, कि देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग, जस्ट बाई आंखों के इशारों से बात समझ आ जा रही है, तो वो टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है। वैसे टैसिट अग्रीमेंट है, जैसे दो पार्टीज के बीच में बिना बोले, टैसिट का मतलब बिना बोले एक अग्रीमेंट है कि भाई इतना तुम्हारा हिसाब होगा, इतना मेरा हिसाब होगा, ये दोनों को अंडरस्टैंड है ये बात, तो वो टैसिट अंडरस्टैंडिंग, टैसिट अग्रीमेंट, इस तरीके से ये शब्द यूज होता है।
टैसिटर्न इज ऑब्स्टिनेसी, राजू पूछ रहे हैं। नहीं, जरूरी नहीं है टैसिटर्न इज ऑब्स्टिनेसी, राइट। या इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब जैसे मान लो कई बार सेल्समैन आपके घर पर आते हैं और वो बड़ी शिद्दत के साथ अपनी चीजें, प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाह रहे हैं और आपका उसमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, लेकिन जस्ट आउट ऑफ कर्टसी हम उन्हें 2 मिनट उनकी बात सुनते हैं तो हम बस गर्दन हिला रहे होते हैं, बीच में ना मोबाइल भी देखेंगे। अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो उसको पूरा हक है कि आप उसको पूरी तरीके से उसके ऊपर फोकस्ड रहें, लेकिन आप नहीं होते। और उसको भी बताया कि ये मेरा काम है, मुझे तो सभी इंसान को जिससे भी मेरी मुलाकात होगी मुझे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए उतनी ही शिद्दत दिखानी है। तो ये जो माइन्यूट डिफरेंस है वो समझना है। तो टैसिटर्न का मतलब नहीं कि वो ऑब्स्टिनेसी हो वहां पे। तो स्पीकिंग के लिए हमारे बहुत सारे शब्द हैं जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज कैरिज्मा वॉज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड इन हिज फ्रेंड्स, इट अराउज्ड बोथ एडमिरेशन एंड इक्वनिमिटी या एनवी आर प्रेज आर ऑब्स्टिनेसी, व्हाट डू यू फील? क्या लग रहा है? बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से काफी लोग सही जा रहे हैं। YouTube पे आंसर्स गलत आ रहे हैं, इधर भी ऐप पे भी इस क्वेश्चन को लेकर गलत। मैंने कहा था लास्ट के क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल मैंने बेहतर किया है। कुछ कारण आप बता पाएंगे अपने आंसर का? लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो, हम हर एक क्वेश्चन में लॉजिक लेके आ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, सोच के बताइए। 30 सेकेंड और देता हूं मैं आपको। क्या लग रहा है? एनवी करेक्ट ऑप्शन है, एनवी करेक्ट ऑप्शन है। अब यहां पे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि एनवी और जेलसी में क्या फर्क है? डबल एज्ड लिखा हुआ है कि हिज कैरिज्मा, यानी कोई इंसान जो बड़ा ही कैरिज्मेटिक है, जिसकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है, लोग तुरंत उसके मुरीद हो जाते हैं, यही यहां पर मतलब हुआ। कुछ लोग कैरिज्मा का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, तो वही है, डबल एज्ड स्वॉर्ड है। यानी डबल एज्ड स्वॉर्ड क्या होती है कि कोई ऐसी तलवार जिसमें दोनों तरफ एज हो, दो धारी तलवार जिसे हम कहते हैं, कि इधर जाओगे तो भी कटोगे, उधर जाओगे तो भी कटोगे। तो यहां पे लिख रखा है कि हिज कैरिज्मा वाज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड इन हिज फ्रेंड्स, इट अराउज्ड बोथ एडमिरेशन एंड एनवी। तो उसके दोस्तों में, उस इंसान के, उसकी इस तरह की पर्सनैलिटी ने क्या अराउज किया, क्या जगाया? तारीफ भी और साथ ही साथ एनवी भी। अब यहां पे कई बार अगर मैं आपसे, मान लो अभी पूछता कि एनवी का क्या मतलब होता है, तो आप में से कुछ लोग बता देते कि सर जेलसी होता है इसका मतलब, हाँ या ना? बट मुझे बताइए कि जेलसी और एनवी में क्या फर्क है? कोई कोशिश करेगा बताने की? क्योंकि यहां दोस्तों की बात हुई है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशन है ये। एनवी तब आप रखते हैं जब कोई जिसके खिलाफ आप एनवी रखते हैं, उस इंसान की जो क्वालिटी है, जो पोजीशन है, आपके, आप भी उस चीज को चाहते हैं, डिजायरेबल है। अब जैसे कोई आपका दोस्त है, बहुत क्लोज है, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ आप जेलसी फील करते हो, उसके साथ ईर्ष्या है। एनवी का टिंज जेलसी के मुकाबले थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, ये फर्क है, राइट? दैट इज द फर्क, दैट इज द डिफरेंस, कि एनवी जो है वो जेलसी के मुकाबले थोड़ी सी पॉजिटिव फीलिंग रखती है। यानी आप कहते हैं यार मेरा ही दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता था, क्या बोलता है, कैसे बात करता, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम मतलब उसको फूटी आंख देखना नहीं चाहते, बहुत जेलसी तुम्हारे मन में, तुम चाहते हो कि यार मेरे ही साथ पला बढ़ा है,
आज इतना बेहतर हो गया, काश मैं भी वैसा हो पाता. तो यू हैव लॉन्गिंग फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज विद इन योर सेल्फ. उस तरह की क्वालिटी या उसका जो पोजीशन है या जो उसने अपने आप को ग्रो किया है, वो चीज आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर भी आए. वो एनवी है. तो इसीलिए कि एडमिरेशन भी है और एट द सेम टाइम एनवी भी आ गया. तो एडमिरेशन के मुकाबले एनवी नेगेटिव हो गया, लेकिन जेलसी और एनवी के बीच में एनवी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. इसीलिए कॉन्टेक्स्ट की समझ बहुत जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम कौन सा वर्ड लगाएंगे. इक्वेनिमिटी क्या होती है? जब आप इक्वल हैं, माइंड आपका शांत रहता है, कोई बहुत आसानी से आपको छेड़ नहीं सकता. प्रेज आपको पता है, ऑब्स्टिनेसी जिद हो गई और ये तारीफ हो गई. ठीक है, अब मैं हमको जरा कुछ और क्वेश्चंस देता हूं जहां पे आपकी समझ को मैं चेक करना चाहूंगा. राइट, सो और वो शब्द बहुत ही बेसिक हैं और आपको समझ आएगा कि हमारे पास क्या चैलेंज आ जाता है. अब मान लो मैंने आपको एक शब्द यहां पे लिखा, ओबीडियंस. ओबीडियंस सभी को इसका मतलब पता है, योर ओबीडियंट लिखा करते थे आप बचपन से. अब ओबीडियंस के साथ साथ मैं एक शब्द और लिख देता हूं, कंप्लायंस. यहां पे भी आज्ञा पालन है, कंप्लायंस. और एक शब्द और मैं आपको लिख के देता हूं, कंफॉर्मिटी. और अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा यहां पे कि मान लो किसी फिलर के क्वेश्चन में या किसी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में अगर ये तीनों शब्द मिल जाएं जहां पे किसी ना किसी तरह का पालन ही है कि जो सिस्टम बना आ रहा है आप उसको फॉलो करें, उसका पालन करें, उसके साथ अडहेर रहें, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इन शब्दों में? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस? हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट दीज वर्ड्स? ये जाहिर तौर पर सिनोनिमस वर्ड है. अभी आप डिक्शनरी खोलोगे या चेक करोगे डिक्शनरीज में तो सिनोनिम्स की लिस्ट में आपको मिल जाएगा. कौन मुझे बताएगा क्या फर्क आता है? पंकज जी पूछ रहे हैं स्पोकन का बैच कब आएगा. जब आएगा बिल्कुल पता लग जाएगा. पंकज जी बताओ मुझे. थैंक यू अन्नू. देखते हैं कितने लोग लॉजिक लगा पाते हैं. देखो कन्फॉर्मिटी शब्द बहुत बार लोगों को कंफ्यूज करता है और वो कंफ्यूज करते हैं कन्फॉर्म में वर्सेस कन्फर्म में. आज ये दिक्कत दूर हो जाएगी. अभी कन्फर्म का मतलब सबको पता है ना कि यार ये कन्फर्म कर दो, बट कन्फर्म कहां से आता है? देखो फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर. आया ना, फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस कई बार जीडी के टॉपिक भी दिए जाते हैं आपको. और कौन का मतलब क्या होता है? टुगेदर. यानी जिस तरह का स्ट्रक्चर ताना बाना समाज में चला आ रहा है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको वहीं से शब्द आ जाता है कन्फॉर्मिस्ट. कन्फॉर्मिस्ट शब्द आ जाता है कि जो पिछली जनरेशन से या समाज से दी गई चीजें हैं, अगर वो इंसान बिना क्वेश्चन किए उन चीजों को पकड़ के बैठ जाए, कौन उस फॉर्म के टुगेदर हो जाए, साथ में हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कन्फॉर्मिस्ट. और कन्फॉर्मिस्ट के बहुत सारे ऑपोजिट शब्द हैं जो आप देख सकते हैं. यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं ऑपोजिट. उनके बारे में चर्चा करूंगा तो लंबी चर्चा हो जाएगी. आप कमेंट सेक्शन में हमारे यूट्यूब वाले भाई जो हैं वो लिख सकते हैं इसका डिफरेंस. मैं शब्द आपको देता हूं होमवर्क के रूप में. मैवरिक शब्द आता है जो इसका ऑपोजिट में आ जाएगा. नॉन कन्फॉर्मिस्ट तो साफ साफ ऑपोजिट दिख रहा है, यानी जो कन्फॉर्मिस्ट ना हो. और एक शब्द और मैं देता हूं आपको, दैट इज आइकोनोक्लास्ट. आइकोनोक्लास्ट राइट. सो दीज थ्री वर्ड्स आर प्रिटी ऑपोजिट. ये एंटोनिमस वर्ड है किसके? कन्फॉर्मिस्ट के. आप कमेंट सेक्शन में इनका डिफरेंस बताइएगा. मैं आपको इनके डिफरेंस बता रहा हूं अभी. तो कन्फॉर्मिटी में भी एक पालन है, आज्ञा पालन है, लेकिन क्या उस तरह की चीजें बिहेवियर और बिलीफ सिस्टम ऑफ मेजॉरिटी, समाज में मेजॉरिटी जिस तरह के चीजों को फॉलो करते आ रही है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, तो उस पालन को हम कन्फॉर्मिटी कहते हैं. जबकि अगर हम बात करें कंप्लायंस की, कई बार चर्चा हुई है कंप्लायंस, यू आर सपोज टू डू योर बिजनेस इन कंप्लायंस विद द गवर्नमेंट्स रूल्स राइट. सरकार की जो
रूल्स हैं, नियम हैं, उसके अनुपालन के साथ आपको बिजनेस करना है, या हम कहते हैं ही इज अ कंप्लायंट एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लायंट और कंप्लेंट मैंने आपको कई बार बताया है, कंफ्यूजिंग वर्ड में पूछा जाता है। कंप्लायंट शब्द एडजेक्टिव है, जबकि कंप्लेंट जो शब्द है ये क्या है, दैट इज नाउन, दिस इज एडजेक्टिव, राइट। बस यहां पे फर्क आ जाता है आईए और एआई का। तो कंप्लायंट इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, कंप्लाई जो है वो वर्ब फॉर्म है। तो कंप्लायंस कहां से निकल के आ रहा है, इसमें किस तरह का पालन हो रहा है। हां जी, बिहेवियर बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड इन्फ्लुएंस्ड बाई पीयर्स, वहां पे कंप्लायंस देखो, इसीलिए ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा मैंने कि इज अ कंप्लायंट एम्प्लॉई। यानी अगर आप किसी खास पदवी पे हैं, किसी खास हायरार्की पे हैं किसी जॉब के अंदर, तो आप और आप जैसों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जो आपके साथ हैं वो आपके पीयर्स कहे जाएंगे, और वहीं से शब्द आता है पीयर प्रेशर। तो वो नियम का जो अनुपालन है, उस अनुपालन को हम क्या कहते हैं, कंप्लायंस। जो भी आपके साथ हैं, जो भी उस समय में हैं, उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो सरकार ने नियम बनाया, राइट, आप बिजनेस करते हैं, आप जैसे और भी जो लोग बिजनेस करते हैं उनको उस नियम का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ये है पीयर का मतलब। एक था समाज का जो नियम चला आ रहा है सदियों से, दशकों से, जो भी है, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर हो रही चीजें, वो फॉलो करना, वो कंफॉर्मिटी है। बट पीयर के लिए, जो पीयर के द्वारा बिहेवियर आपका इन्फ्लुएंस हो, जैसा पीयर का बिहेवियर वैसा ही आपका हो, वहां पे क्या आ जाता है, वहां कंप्लायंस आ जाता है। और जब हम ओबीडियंस की बात करते हैं, ओबीडियंस की बात करते हैं, तो यहां पे क्या सेंस आ जाएगा, बिहेवियर यहां पे भी है, बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय अथॉरिटी। कोई इंसान जो अथॉरिटी में है, जब वो नियम कानून बनाए और आपको उसका अनुपालन करना पड़े, तो अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या हो गया, अथॉरिटी, यहां पे बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर्स, पीयर्स हो गया, और यहां पे क्या है, सिस्टम ऑफ मेजॉरिटी, या यहीं पे सोसाइटी लिख लो। तो इस तरीके से जब डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में आएगी ना वोकैबुलरी को लेकर के, और मैं हर बार ये चीज आपके दिमाग में इनकलकेट करने की कोशिश करता हूं कि आप ये अप्रोच पैदा कर सको, चीजों को रटो मत, इस बात की क्लैरिटी रखो कि अगर इंग्लिश में दो शब्द बना है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। एंड दिस इज माय जॉब टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फाइन लाइन और थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दोज टू वर्ड्स और बिटवीन दोज फाइव वर्ड्स व्हाटसोएवर, राइट। टू वर्ड्स आर नेवर सेम, दे आर सिमिलर, एंड सिनोनिमस वर्ड्स आर सिमिलर वर्ड्स, नॉट सेम वर्ड्स। देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस, जो किसी भी पैमाने पे हो सकता है, कॉनोटेशन पे, कॉलोकेशन पे, कॉन्टेक्स्ट में, डिग्री ऑफ वर्ड्स में, डिनोटेशन में, कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। तो आप मेरे साथ इसी क्वेस्ट पे निकलते हैं, मेरे किसी भी बैच के अंदर हम हर जगह पे लैंग्वेज की समझ को बढ़ाने की बात करते हैं, और जो भी आपके एग्जाम्स हैं वो आपकी समझ को ही चेक करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी रटने की ताकत थी वो स्कूल कॉलेज में चेक हो जाती काफी हद तक। इन नेशनल लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसी सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग को प्रेशराइज सिचुएशन में टेस्ट किया जाता है। तो हमें अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना होगा, और मेरा साथ आपके साथ हमेशा बना हुआ है उस यात्रा में। अगर आप सीखना चाहते हैं वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन या ग्रामर के साइंस को, राइट, रटना नहीं चाहते हैं, तब मैं शायद आपके लिए गलत इंसान होऊंगा। तो ये फर्क है। मैंने बस एक एग्जाम्पल के तौर पर कितनी बार आपको बताया, पीछे के भी सेशंस में आपको याद होगा कौन सा वर्ड किया है हमने नरसंहार के लिए, कितनी बार ये तीन शब्द मैंने आपको बताए हैं कि बस ये मत रटो। क्लास में कभी भी पूछो नरसंहार मतलब होता है, मैसेकर है, कार्नेज है, राइट, और कौन सा शब्द है, जेनोसाइड है, जेनोसाइड है। तो बच्चे को पूछो क्या मतलब होता है, वो कहेगा नरसंहार, कहीं कि उसने किसी हिंदी शब्द को, उससे चीजों को रट लिया है। अरे नरसंहार है, ठीक है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, तो एक ही वर्ड लगा लेते, अलग क्यों बनाया। तो कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा जरूरी था। कितनी बार बताया है कि भाई जब आप बात करते हो मैसेकर की, तो ये होता है जानबूझ करके डेलिबरेट किलिंग्स होती हैं, डेलिबरेट और इनडिस्क्रिमिनेट। हमेशा कीवर्ड्स ध्यान में रखा करो, यानी बिना किसी भेदभाव के जानबूझकर जो किलिंग्स की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैसेकर और जलियांवाला बाग। हमेशा दिमाग को कुछ ना कुछ, जब तक आप कनेक्शन नहीं दोगे वो चीजों को याद नहीं रखेगा। कार्नेज की बात कर ली जाए, तो कार्नेज क्या है, दैट इज वायलेंट किलिंग्स,
violent killings in a war situation. कहीं पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मतलब युद्ध हो रहा है, वहां पे जो लोग मारे जाते हैं वो कार्नेज है. या एक्सीडेंटल किलिंग्स, प्लेन का क्रैश हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो जो एक्सीडेंटल किलिंग्स होती हैं उनके लिए भी हम क्या लगाते हैं, वहां पे भी हम यूज करते हैं कार्नेज. जबकि जेनोसाइड क्या है, प्लैंड किलिंग, प्लैंड किलिंग ऑफ अ कम्युनिटी. तो ये एग्जांपल्स मैं इसलिए देता हूं क्योंकि ये वो शब्द हैं जो आप बहुत सुनते हैं. मैं बड़े हैवी हैवी वर्ड आपके लिए लेके आ सकता हूं, बट उसका पॉइंट नहीं है. बहुत सारे बच्चे, मासूम बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर ये क्या हो गया. ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, वो शायद मैं अपने कैट लेवल वाले बैच के अंदर वो सब के अंदर जाऊंगा. लेकिन ये तो आपके वो वर्ड हैं जो आपको मिलते हैं भाई. ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिलेंगे एसएससी के एग्जाम्स के अंदर, ये आपको क्लोज टेस्ट में मिलेंगे, ये आपके फिलर्स में मिलेंगे. एक और होमवर्क दे के जाता हूं आपको, हमारे यूट्यूब वाले भाई जरूर कॉमेंट करें उसमें. और वो क्या है, वो तीन शब्द दे रहा हूं, थोड़ा सा डिक्शनरी में ढूंढो और सेंटेंस बना के लिखना एक मेहनती बच्चे की तरह. और वो तीन शब्द हैं आपके पास, फास्टिडियस, पंक्टिलियस. एंड मेटिकुलस. ऐसे बहुत सारे मैं ट्रिपलेट्स या पेयर्स शेयर करता रहता हूं अपने बैचेस के अंदर, जस्ट कि आपको समझ आए. अभी वर्ड आपको वैसे भी देखने में मुश्किल लग रहे होंगे, बट है नहीं मुश्किल. अगर हम पेपर के लिहाज से बात करें, मुश्किल तब लग रहे होंगे जब आप अपनी तैयारी को लेकर के सिंसियर नहीं है, आप पढ़ते नहीं है, अदरवाइज ये बहुत बेसिक शब्द है. और अभी आप एक वर्ड डालोगे ना, फास्टिडियस डालोगे डिक्शनरी में, तो उसके साथ आपको पंक्टिलियस और मेटिकुलस भी मिलेगा. मेटिकुलस डालोगे तो ऊपर वाले दोनों मिलेंगे. तो काम ये करो कि जरा डिटेल्ड में उनकी मीनिंग पढ़ो कि हाँ ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, इन विच पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आई विल यूज दीज वर्ड्स. तो जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक अंग्रेजी हमें परेशान करती है. और तब आप अपने आप को एक लेवल पर ही रख पाएंगे, लेवल से उठ नहीं पाएंगे. हम सभी के पास ये मौका है जीवन में आगे बढ़ने का. तैयारी बेहतर करिए और आगे बढ़िए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, राइट? दिस वॉज द वेरी फर्स्ट क्लास, इंट्रो क्लास, जो चाहो कह लो आप. लेकिन मैंने टॉपिक शुरू कर ही दिया है. टॉपिक में, इस पर्टिकुलर बैच में चार टॉपिक हैं जिनके पूरे साइंस को बहुत डिटेल्ड मैनर में कॉन्सेप्ट का डिस्कशन और बहुत सारा क्वेश्चन लाइव क्लास में डिस्कस होगा. 800 से 1000 मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिए हैं नंबर्स. शुरुआत करेंगे हम वोकैब फिलर्स के साथ, और फिलर्स के बाद आएंगे क्लोज टेस्ट पे, फिर आएंगे पैराजंबल्स पे. हर एक एग्जाम मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहां पे दोबारा मत पूछना. और फिर आएगी बारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जिसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब बहुत डिटेल्ड मैनर में, जो आपको टोन में दिक्कत होती है पहचानने में, 35-40 जो टोन्स में ऑप्शन मिलते हैं, वो सब बहुत डिटेल्ड मैनर में हम इस बैच में डिस्कस करते हैं. राइटिंग स्टाइल समझ पाओगे, एक ही बात को कहने के कितने तरीके हैं, और इससे आपकी लैंग्वेज की समझ बढ़ेगी, तो आपकी डिस्क्रिप्टिव में परफॉर्मेंस बढ़ेगी. क्योंकि आपको पता है हर एक एग्जाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता ही आता है मोर और लेस. तो वहां पे लैंग्वेज की जब समझ बढ़ती है आपको, अच्छा इस बात को और कैसे कहा जा सकता है, तो आपकी लिखने में भी सुधार आता है. तो ये इनपुट है एक तरीके से, ये बैच जो आपको काफी तरीके से अमीर बनाएगा. इफ यू हैव नाउ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बैच, यू मे आस्क मी ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऐप. हाँ जी, तो कोई भी सवाल. पीडीएफ कब तक मिलेगा? पीडीएफ क्लास के बाद अपलोड हो जाता है, वो ऐप के अंदर ही आपको मिलता है. ठीक है, थैंक यू अंकिता, अमित, पीयूष, आदित्य, शशि, थैंक यू वेरी मच. बैंकिंग का बैच आपको नेक्स्ट मंथ मिलने वाला है, राइट? बैंकिंग का बैच नेक्स्ट मंथ आपको मिलेगा. थैंक यू एवरीवन. वोकैब बैच जो है वो नेक्स्ट मंथ मिलेगा. बैंकिंग स्पेशल बैच और वोकैब बैच नए साल के पहले महीने में. और नए साल में काफी सरप्राइजेस हैं आपके लिए. यूट्यूब अब सरप्राइजेस लेके आता है, और आपको इतने सारे कोर्सेज जरिए हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, व्हाट यू पीपल आर गिविंग अस. और हम भी जी जान लगा करके आपको, हर एक जो फैकल्टी मेंबर इस प्लेटफॉर्म पे हैं वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए. वोकैब स्पेशल बैच सिर्फ वोकैब का अगले महीने आएगा, और मैंने बता दिया अब बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द कैट के बैचेस भी आने वाले हैं इस फोरम पे. तो और बैंकिंग का अलग से आता ही है, तो हमारे बहुत सारे भाई इसीलिए सोचते थे कि सत्येंद्र सर बहुत हाई लेवल तक लेके जाते हैं. वो इसलिए कि पहले जैसे कैट के बैचेस नहीं होते थे, बहुत सारे बच्चे हर तरह के एग्जाम के इस कॉम्प्रिहेंशन बैच में आते थे. लेकिन क्योंकि वो सेगमेंट डिवाइड है, तो आप कोई भी एसएससी का एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूं, किसी स्टेट लेवल एग्जाम में हूं, यूपीएससी का कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूं, ये बैच आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है और आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी. डेढ़ महीने बाद खुद चेक कर लीजिएगा, जहां भी नेशनल लेवल का मॉक टेस्ट हो रहा हो वहां मॉक टेस्ट देकर के आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन.
मिलते हैं कल राइट इसी टाइम इसी चैनल पे, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।